पेट्रोल डीजल की कीमतों में फौरी राहत से सरकार ने किया इनकार। तेजी से बढ़ रहे हैं दाम, पेट्रोल की कीमत शतक लगाने की ओर। मोदी सरकार के राज में ही बदला था कीमत में इजाफे का नियम। निपाह वायरस का बढ़ रहा है खौफ, अब चार राज्यों में सावधानी बरतने का अलर्ट जारी। हिमाचल में अचानक मरकर गिरे कई चमगादड़, हिमाचल के स्कूल में 2 दर्जन चमगादड़ों की मौत के बाद प्रशासन ने जांच के लिए भेजे सैंपल। लड़की के साथ होटल से हिरासत में लिए गए मेजर गोगोई, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज को जीप से बांधकर हीरो बने थे मेजर, जांच में जुटी J&K पुलिस। कैप्टन विराट कोहली स्लिप डिस्क से जूझ रहे हैं, अब वे सरे काउंटी से नहीं खेल सकेंगे। लगातार क्रिकेट हो सकती है चोट की वजह, अभी तक BCCI और विराट की ओर से नहीं आया कोई बयान। नई कमेटियों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान, राहुल गांधी के दौरे से पहले 100 कांग्रेस नेताओं का इस्तीफा। कांग्रेस की समन्वय समिति में कांग्रेस से निष्कासित रहे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गौतम को सदस्य बनाया गया है। जम्मू सीमा पर फायरिंग पर भाजपा विधायक ने महबूबा के लिए बोले बेतुके बोल, कहा इस औरत की जिद से हालात कितने बिगड़े। कठुआ केस के आरोपियों का विधायक ने किया था समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज किया स्वीकार, जल्द करेंगे वीडियो शेयर। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्विटर पर फिटनेस चैलेंज किया था शुरू, चारों ओर हो रही है इसकी चर्चा। परेश रावल का विपक्षी नेताओं पर वार, ट्विटर पर की जीजा साली के रिश्ते से तुलना। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता पर था परेश का ये तंज, राहुल गांधी पर भी कई बार की तीखी टिप्पणी। 5 राज्यों में पारा 44 के पार, हरियाणा राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 दिन तक रेड अलर्ट। दिल्ली में गर्मी के चलते 30% तक मरीज बढ़े, 29 मई तक हीट वेव की आशंका। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से हम 44 सीटों पर सिमटे। प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के सवाल पर खुर्शीद ने कहा पर्दे के पीछे है उनका अहम रोल।